हाँ दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मझगांव डक शिप बिल्डर लिमिटेड में आई हुई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, जिसमें जो कैंडिडेट एलिजिबल है मैं आपको इस सारी वीडियो बताऊंगा, साथ ही साथ कैसे बताऊंगा कि फॉर्म को फिलअप करना है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, ये है नोटिफिकेशन मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड का। ये जो है सेंट्रल लेवल की जॉब है, जो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसमें तीन तरह की अप्रेंटिसशिप आई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ग्रुप ए है, बी है और सी है। तो ग्रुप ए में जो है 10th क्लास के कैंडिडेट, यानी कि जो 10th फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट के लिए आई है। इसमें जो ट्रेड मांगा है, मतलब इसमें 10th क्लास के कैंडिडेट ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 19 साल है, 15 से लेकर 19 साल के कैंडिडेट। बाकी एससी एसटी और जो ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का और 5 साल का, वो दिया जाएगा। देन ग्रुप बी की बात किया जाए तो ग्रुप बी में आईटीआई के कैंडिडेट मांगा हुआ है। ग्रुप सी की बात किया जाए तो इसमें जो है 8 क्लास पास मांगा हुआ है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज और सीट आप देख रहे हैं, और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है 14 से लेकर 18 साल है। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है वो एससी एसटी ये सबको, वो रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और अगर हायर क्वालिफिकेशन है वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साफ साफ मेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये साफ साफ मेंशन है। लेकिन सबसे पहले मैं ग्रुप ए की बात करता हूँ, तो ग्रुप ए में जो है 10th क्लास पास चाहिए, और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होना चाहिए। और उनके जो सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ भी मेंशन है कि जनरल साइंस मैथमेटिक्स उनके सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में, ध्यान रखिएगा। और आईटीआई की बात किया जाए तो यहाँ पे आईटीआई के लिए भी दिया हुआ है कि आईटीआई के जो कैंडिडेट हैं ये ग्रुप बी के तहत भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कारपेंटर स्ट्रक्चर फिटर के लिए आई है, तो यहाँ पे ये ब्रांच जो है एलिजिबल है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें उनके लिए दी गई है, 50% मिनिमम उनके एग्रीगेट आना चाहिए उनके आईटीआई वगैरह में। देन ग्रुप एट की बात किया जाए तो ग्रुप एट में देखिए रिगर और बिल्डर की पोस्ट है, जिसमें आपका 8 क्लास पास मांगा है। और साथ ही साथ ये भी मेंशन है कि ये फॉर्म जो है हायर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, हायर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन वो जो है 8वीं क्लास उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसकी 8वीं क्लास है। देन अब हम बात करेंगे, इसमें जो स्टिपेंड वगैरह मिलता है वो मैंने आपको पहले बता दिया था, जो आप वीडियो में पॉज करके देख सकते हैं, वहाँ पे साफ साफ मेंशन था। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इसमें साफ साफ मेंशन है कि कैंडिडेट के पास जो है पैन कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं बनवाया तो आपने बनवा लीजिए, क्योंकि आपकी जो स्टिपेंड दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट डायरेक्टली दिया जाएगा, और पैन कार्ड नंबर जो है मैंडेटरी है। बाकी इसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो सारे फॉर्मेट दिया हुआ है, आप उसको देख लेंगे। मैं आपको बताता हूँ वो फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे इस तरह का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, जिसमें दो तरह के नोटिफिकेशन, मतलब आपको दो चीज़ दिखेगी, रजिस्टर फॉर न्यू कैंडिडेट एंड लॉगिन फॉर द ऑलरेडी कैंडिडेट। तो अगर न्यू कैंडिडेट है तो आप न्यू कैंडिडेट इसको रजिस्टर करेंगे। बाकी आप अगर पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन पर जाके पीडीएफ को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं, और इसके डिटेल में और भी जा सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप यहाँ पे जो है डेट दे रखी है, मेल दे रखा है, और साथ ही साथ फ़ोन नंबर दे रखा है, इस फ़ोन नंबर पे जाके अपनी क्वेरी को भी पूछ सकते हैं। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 3 अगस्त है, ध्यान रखिएगा 3 अगस्त इस फॉर्म की लास्ट डेट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। आप रजिस्टर को क्लिक करेंगे, जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म खुल के आएगा आपके सामने, जिसमें आप जिस ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट को आप यहां पर क्लिक करके फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है आप उसको सही सही फिलअप करके फॉर्म को सबमिट और कंटिन्यू करके इस बाकी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं इस तरह। एक बात मैं और बता दूं कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी वगैरह नहीं ली जा रही है, तो ध्यान रखिएगा ये फ्री का फॉर्म है। और अगर जो कैंडिडेट अभी 10th पास आउट हुए हैं या फिर आईटीआई पास आउट हुए हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप अगर भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरें। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके पुराने वीडियोज़ देख लें, और उन फॉर्म को भी फिलअप कर लें अगर आप उनके लिए एलिजिबल हैं तो। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।